नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में बीएड और डीएलएड वालों का लड़ाई हो रहा है। यानी बीएड वाले चाहते हैं कि उन्हें कक्षा 1 से 5 के लिए एलिजिबल कर दिया जाए या उन्हें एलिजिबल किया जाए, और डीएलएड वाले चाहते हैं, यानी जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्राथमिक टीचरों के लिए जो जिन्होंने अपना ट्रेनिंग लिया है, वो चाहते हैं कि कक्षा 1 से 5 में सिर्फ प्राइमरी टीचरों के लिए सिर्फ डीएलएड वाले ही योग्य हों। इसी को लेकर लड़ाई हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। और राजस्थान हाईकोर्ट में ये एक एनसीटी का जो गाइडलाइन है उसको रद्द कर दिया है, और राजस्थान में कक्षा 1 से 5 के लिए जो भी बीएड किए हुए छात्र हैं वो योग्य नहीं माने जाते हैं, टीचर नहीं बन सकते हैं। और मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और फिलहाल के लिए एक मामला यूपी में भी आया है और हाई कोर्ट में उसका फैसला चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर इसका दोषी कौन है, और ये कब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, और क्या झारखंड में भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, यही इस वीडियो में बताऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ब्रिज कोर्स क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप लोग में से बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि ब्रिज कोर्स क्या होता है। ये 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स होता है वो क्या होता है? तो ये 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स होता है दोस्तों, एनआईओएस की तरफ से ये करवाया जाता है, जिससे कि एनआईओएस से आपने डीएलएड की भी डिग्री मिलती है, ठीक है, आपको पता होगा। और एनआईओएस का 6 महीने का एक कोर्स होता है जिसका प्राइस 5,250 रुपया आपका रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, और 5,000 आपको जो कोर्स का फी लगेगा ब्रिज कोर्स करने के लिए। यानी उस कोर्स को आप करोगे तो आप कक्षा 1 से 5 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जिससे और उसे राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट पे उस जो नियमावली है या उस एनसीटी के जो गाइडलाइन है उसको रद्द कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम का कब से स्टार्ट हुई। मैं आपको बता दूं, एनसीटी का जो गाइडलाइन था 2010 में जो आया था, उसमें एनसीटी ने जो गजट पेश किया था उसमें उन्होंने लिखा था, उन्होंने उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से 5 के लिए, सिर्फ वही एलिजिबल होंगे जिन्होंने बीटीसी डीएलएड या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्राथमिक टीचर के लिए ट्रेनिंग लिया है, ये उनका गाइडलाइन में था। लेकिन अब 26 जून 2018 में एक गजट फिर से पेश होता है जिसपे लिखा हुआ रहता है कि अब कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड वाले भी एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन कक्षा 1 से 5 में वो योग्य होने के लिए उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाती है कि पूरे 2018 के बाद से लेकर 2019 तो कोरोना में ही चला गया, 20 भी कोरोना में चला गया, उसके बाद 21-22 में जब पूरे इंडिया में जब बहाली होने लगी, बहुत जगह पे बहाली हो गई, जैसे कि बिहार में बहाली हो गई, वहाँ पर भी उसको माना गया कि हाँ जो भी बीएड किए हैं वो भी ब्रिज कोर्स करने के बाद भी आप 1 से 5 में पढ़ा सकते हो, या मतलब कि आपका सिलेक्शन हो जाता है टीचर भर्ती में, उसके बाद आप ब्रिज कोर्स कर लो, 1 या 2 साल का टाइमिंग होता है, और तब आप पूरी तरह से योग्य माने जाओगे, ये बन गया। अब आती है कि राजस्थान में शिक्षक बहाली की बात आती है, वहाँ पर टेट की बात आती है, तो वहाँ पर जो बीएड के छात्र हैं और डीएलएड के छात्रों में लड़ाई हो जाता है, डीएलएड वाले वहाँ केस कर देते हैं कि कैसे आप यहाँ बैठिएगा, काहे बैठेगा, हम लोग प्राथमिक टीचर का तैयारी किए हैं, हम लोग ने 2 साल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, आपने बीएड किया है, आप टीजीटी पीजीटी में जाओ, आप क्यों आओगे यहाँ पर भीड़ बढ़ाने के लिए। वहाँ राजस्थान हाईकोर्ट में फैसला आया, राजस्थान हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये गलत है, एनसीटी का जो गाइडलाइन है इसे हम लोग रद्द करते हैं, और कक्षा 1 से 5 में सिर्फ डीएलएड या बीटीसी या जो प्राथमिक टीचर का जो ट्रेनिंग लिया है वही लोग एलिजिबल होंगे। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पे है,
और यूपी में भी जब टीचर की बहाली इस बार हो रही है, वहां यूपी में क्या होता है कि टेट होता है और टेट होने के बाद सुपर टेट के लिए एलिजिबल किया जाता है, यानी आप टीचर तब बन सकते हो। तो वहां भी जो बीएड किए हुए छात्र हैं उन्होंने कक्षा 1-5 के लिए फॉर्म भरा था, तो जब टेट का रिजल्ट आने लगा तो वहां पर रोक लगा दिया कि जो बीएड किए हुए छात्र हैं उनका कक्षा 1-5 में यदि सिलेक्शन हो भी गया है, टेट पास हो गए हैं, तो भी उनका जो सर्टिफिकेट है उसको रोक दिया जाए और स्टे लगा दिया गया। अब बात आती है इसका जिम्मेवार कौन है और झारखंड में भी क्या ये ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, तो बिल्कुल इसका जिम्मेवार कौन है और क्या कुछ करना चाहिए और झारखंड में क्या ये हो सकता है और सरकार को क्या करना चाहिए या NCTE को क्या कुछ करना चाहिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले बात कि झारखंड में क्या ये हो सकता है, बिल्कुल झारखंड में भी शिक्षक बहाली होने वाली है और झारखंड में जो शिक्षक बहाली होगी उसमें भी ये प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी छात्र जो बीएड और डीएलएड किए हैं उनमें ये मतभेद है कि कक्षा 1-5 में बीएड वालों को मौका दिया जाएगा या नहीं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, जो बीएड किए हुए छात्र होते हैं वो लोग क्या मन में क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हम लोग तो एलिजिबल है हर चीज़ के लिए, कक्षा 1 से लेकर 12 के लिए उनका ये मानना है, और बीएड डीएलएड वाले का भी मानना है कि वो प्राथमिक शिक्षा के लिए ट्रेनिंग लिए हैं तो उसके लिए उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाए। तो बड़ी बात ये है कि दोस्तों एक्चुअली हुआ क्यों, ये झारखंड में क्यों ऐसा हो रहा है, झारखंड में भी ये क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए झारखंड में बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो ग्रेजुएट होने के बावजूद भी वो डीएलएड किए, बहुत सारे छात्र और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 12 के बाद डीएलएड किए, जो 12 के बाद डीएलएड किए उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ग्रेजुएट होने के बावजूद अगर वो डीएलएड किए तो वो ये सोच के किए, क्योंकि झारखंड में इससे पहले जो शिक्षक बहाली हुई थी उसमें या टेट परीक्षा हुई थी उसमें कक्षा 1-5 में बीएड वालों को मौका नहीं दिया था, तब तक एनसीटी का गाइडलाइन नहीं आया हुआ था, ठीक है, तो नहीं मौका दिया था, जिस कारण जितने भी छात्र जो ग्रेजुएट थे बाद में ग्रेजुएट होने के बाद भी डीएलएड किया तो वो ये सोच के किया कि डीएलएड में बहुत सारे सीट है, प्राइमरी टीचर में बहुत ज्यादा सीट है तो इसलिए हम लोग डीएलएड कर लेते हैं। अब बात आती है कि NCTE ने 2018 में गाइडलाइन जारी कर दिया कि जो बीएड किया है वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके प्राथमिक टीचर बन सकता है, तब वो लोग का तो होश उड़ गया, अरे यार हम भी तो जो डीएलएड किए हैं ग्रेजुएशन के बाद, उन लोगों का दिमाग उड़ गया, वे लोग सोचने लगे कि अरे यार हमने भी तो ग्रेजुएशन ऑलरेडी किया हुआ था तो हम तो बीएड भी कर सकते थे, अगर बीएड करते तो कक्षा 1-5, 6-8 PGT TGT सब के लिए एलिजिबल हो जाते, ये उनका मानना है। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन है NCTE के पास कि वो ये करे कि जो भी छात्र ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड किए हैं उन्हें TGT में मौका दे दे और साथ में बाद में ब्रिज कोर्स करवा दे, जैसे कि बीएड वाला लोग को बाद में ब्रिज कोर्स करवाता है, 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लो और तुम कक्षा 1-5 के लिए इलिजिबल हो, उसी प्रकार जो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हैं वो लोगों के 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा दो और वो भी TGT के लिए इलिजिबल हो जाएंगे, सिंपल सा बात है। हमारा ये कहने का मतलब है कि जो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हैं उनको भी आप मौका दे दो TGT में, और जो बीएड किए हैं यानी जो बीएड किए हैं उनको भी आप ब्रिज कोर्स 6 महीने का करवा ही रहे हो, उनको 1-5 में मौका दे रहे हो, तो जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो प्राथमिक टीचर का ट्रेनिंग लिए हैं उनको भी आप TGT में मौका दे दो और 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा दो, मामला क्लियर, आप एक हाथ से लो एक हाथ से दो, तो यही कुछ हो सकता है और NCTE तभी बच सकता है, वरना बीएड वाले सदा सदा के लिए 1-5 से वंचित हो जाएंगे और ये झारखंड में भी होने वाला है। आप देखते जाओ, ये वीडियो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, आप देखते जाना आने वाले समय पे झारखंड में भी ये होने वाला है। फ्रेंड्स आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।